ग्वालियर के रहने वाले सामिर खान बहुत खुशनसीब भाई हैं। उन्हें नई जिंदगी देने के लिए उनकी बहन ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। 43 साल के समीर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए किडनी की जरूरत थी। बात जब उनकी सबसे बड़ी बहन शाहिदा को पता चली तो वो बेझिझक अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। अगर एक किडनी से अपन जी सकते हैं तो मैं अपने भाई को भी दे सकती हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया। अपने परिवार वालों से पूछी, अपने बच्चों से पूछी, अपने ससुराल वालों से पूछी, सबने कि हाँ आप अपने भाई को दे सकती हैं। तो मैंने हिम्मत रखी और आज मैं देने को जा रही हूँ किडनी। पर मौका रक्षाबंधन का आ रहा है तो जो खुशी की बात है, एक बहन अपने भाई को राखी के उसमें किडनी देने को लिए चल रही है, वो एक तरह की यही उसको जीवन दान देने के लिए जा रही है। 5 बहन और 3 भाइयों के परिवार में समीर सबसे छोटे हैं। उनके दिल से बहन के लिए दुआएं निकल रही हैं। मैं बहुत बाकी खुशनसीब हूँ कि मेरे पास 5 बहनें हैं और सभी मेरे को बहुत चाहती हैं और मैं सभी के साथ, मेरे को अभी तक महसूस ही नहीं हो रहा जहाँ पर जितनी मेरी देखभाल वगैरह करती हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसी मेरी बहन है ऐसे सबको ही मिले। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि जैसी मेरी बहन मेरे को किडनी दे रही है, ऐसी अगर कोई भाई को अगर जरूरत पड़े तो ऐसी बहने दें तो वो भी हिम्मत करें, तो उससे ज्यादा कोई नसीब वाला नहीं होगा। इन दिनों ग्वालियर का ये परिवार अहमदाबाद में किराए का घर लेकर इलाज के लिए रह रहा है। भाई के इलाज के लिए सभी बहनें अपने परिवार से दूर अहमदाबाद में मौजूद हैं। अस्पताल के लोग भी बहन भाई के इस अनोखे रिश्ते को लेकर हैरान हैं। भाई को राखी बांधने वाली बहन अपनी किडनी देकर, अपना गुर्दा देकर भाई की रक्षा करती है, भाई के जीवन की रक्षा करती है। तो एक तरफ से भाई की शुभकामना करने वाली बहन भाई के जीवन की रक्षा के लिए सही अर्थ में राखी के इस त्यौहार को इन्होंने निभाया है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। समीर पठान और शाहिदा खानम की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बदलते दौर में भी प्यार के इस पवित्र रिश्ते की कड़ियां मजबूती से जुड़ी हैं। अहमदाबाद से न्यूज एक्सप्रेस के लिए भौमिक व्यास की रिपोर्ट।